मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। साल था 2005, तारीख थी 29 नवंबर। उस शाम सूरज डूबने के दौरान आसमान जितना लाल हुआ था उससे कहीं ज्यादा लाल हुई थी गाजीपुर की धरती, वो भी एक विधायक के खून से। करीब 1.5 घंटे तक फायरिंग हुई, 1000 से ज्यादा गोलियां चली, करीब 400 से ज्यादा गोलियां सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाते हुए चलाई गई। जहां गोलियां चल रही थी उससे 2 किलोमीटर दूर तक पूरा इलाका थर्रा उठा। एक दो नहीं बल्कि 6 AK-47 राइफल से 2 गाड़ियों में सवार लोगों पर इतनी फायरिंग हुई कि दोनों गाड़ियों में हर तरफ एक पीठ पर कई सुराख बन गए। फिर भी AK-47 थम नहीं रही थी, और जब सब कुछ थमा तब तक दोनों गाड़ियों में सवार 7 लोगों की सांसें थम चुकी थी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और 2 गनर समेत 6 लोगों को सरेआम मौत की नींद सुला दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बाहुबली, मैं हूं आपके साथ अंजलि। यूपी की राजनीति में तूफान आ गया, बाहुबलियों की दुनिया में खलबली मच गई, यूपी पुलिस के होश उड़ गए, जनता में दहशत बैठ गई। खबरों की दुनिया में सिर्फ एक ही चर्चा थी, कृष्णानंद राय जैसे बाहुबली और लोकप्रिय विधायक को किसने मारा, क्यों मारा। ये सच्ची कहानी है उस विधायक की जिसने पहली बार गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की सियासत, व्यापार और दबंगई को चुनौती दी थी। पहले मुख्तार से टकराना, फिर उस पर बाहुबली ब्रजेश सिंह का हमला, उसके बाद मुख्तार के बदले की कहानी। ये ऐसी सच्चाई है जिसके सामने फिल्मी थ्रिलर भी फीकी लगेगी। पूर्वांचल के 5 जिले गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़ और बलिया तक ब्रजेश और मुख्तार के गैंग सक्रिय थे। रेलवे के ठेके, जमीनों पर कब्जे और बाजारों में वसूली को लेकर अक्सर दोनों गैंग के बीच खूनी भिड़न और शूटआउट होते थे। 90 के दशक से भिड़ रहे ब्रजेश और मुख्तार गैंग के बीच वर्चस्व की जंग को 1996 में राजनीतिक धार मिली। 1996 में मुख्तार अंसारी मऊ जिले से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। अब वो सिर्फ गैंगस्टर और बाहुबली नहीं बल्कि बाहुबली विधायक बन चुका था। इसी के साथ उसके गैंग को पूर्वांचल में अघोषित तौर पर राजनीतिक संरक्षण मिल गया। अब ब्रजेश को भी मुख्तार से मुकाबले के लिए सियासी सरपरस्त की जरूरत थी। मुख्तार को गाजीपुर में अगर पहली बार किसी ने चुनौती दी थी तो वो थे बीजेपी के दबंग नेता कृष्णानंद राय। ब्रजेश ने उनसे मुलाकात की और बात बन गई, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही था। अब मुख्तार गैंग के खिलाफ ब्रजेश सिंह सक्रिय हो गया, तो दूसरी तरफ उसके सियासी बाहुबल को कृष्णानंद राय लगातार चुनौती देते रहे। इसी दौर में मुख्तार पर ऐसा हमला हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पंद्रह जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला किया गया जिसमें उसकी जान जाते जाते बची, लेकिन फायरिंग करने वालों ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया मुख्तार का और वो बच निकला। लेकिन इस हमले का अंजाम क्या होगा ये किसी को पता नहीं था। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अपने काफिले के साथ निकला। मुखबिरी की आशंका में वो रास्ते में गाड़ी बदल लेता था। 15 जुलाई 2001 को भी
मुख्तार ने रास्ते में गाड़ी बदल ली। काफिले में शामिल ज्यादातर गाड़ियों का नंबर 0786 था, फिर भी मुखबिरी पक्की निकली और मुख्तार घेर लिया गया। मुख्तार की गाड़ी को रेलवे फाटक के बीच रोककर ट्रक से कुछ लोग निकले और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। मुख्तार गाड़ी से उतरा और राइफल लेकर उसने भी मोर्चा संभाल लिया। हमलावरों ने मुख्तार के गनर को मार गिराया। शूटआउट में मुख्तार ने भी एक हमलावर की हत्या कर दी, लेकिन वो किसी तरह बच निकला। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय पर आरोप लगा कि उन्होंने सुनियोजित ढंग से मुख्तार अंसारी पर हमला कराया है। ब्रिजेश इस घटना के बाद अंडरग्राउंड हो गया, जबकि कृष्णानंद राय अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए। दरअसल कृष्णानंद राय निर्माण कार्यों के ठेके लेते थे, इसके बाद वो रियल एस्टेट के बिजनेस में उतर आए। ये वो दुनिया थी जहां 1990 से गैंगस्टर मुख्तार को किसी ने चुनौती नहीं दी थी, लेकिन कृष्णानंद राय के आने के बाद पूर्वांचल के सियासी और सामाजिक समीकरण बदलने लगे, क्योंकि मुख्तार के गैंग में राय बरादरी के कुछ शूटर और दूसरे लोग अहम भूमिका में थे। कृष्णानंद के राजनीतिक बाहुबल का उदय मुख्तार के लिए लगातार परेशानी का सबब बन रहा था। साल 2002 के विधानसभा चुनाव का दौर आया तो ब्रजेश सिंह एक बार फिर पूर्वांचल लौटा। इस बार वो और मुख्तार हर स्तर पर आमने सामने आ गए, क्योंकि ब्रजेश के संरक्षक और बाहुबली नेता कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल के खिलाफ मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से पर्चा भर दिया। इस चुनाव में गैंगस्टर ब्रजेश ने कृष्णानंद के चुनाव अभियान का भरपूर समर्थन किया। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट 2002 तक अंसारी परिवार के पास थी। कृष्णानंद ने मुख्तार के भाई और पांच बार के विधायक अफजाल अंसारी को 2002 के विधानसभा चुनाव में हरा दिया। ये हार सिर्फ अफजाल अंसारी की नहीं थी, मुख्तार को लगा कि दो साल में उसे दो बड़े झटके लग चुके हैं। पहले 2001 में उस पर जानलेवा हमला हुआ और उसके बाद उसके बड़े भाई की चुनावी हार। हालांकि इस चुनाव में मुख्तार ने मऊ सदर से निर्दलीय पर्चा भरा और वो जीत गया। अब मुख्तार अंसारी और उसका गैंग दिन रात यही सोच रहे थे कि आखिर किस तरह ब्रजेश सिंह और कृष्णानंद राय से बदला लिया जाए, और बदला लेने के साथ साथ पूर्वांचल में एक बार फिर अपने बाहुबल का परचम लहराया जाए। गैंगस्टर मुख्तार के मुखबिरों ने उसे खबर दी कि 2001 में उस पर हुए जानलेवा हमले के पीछे बीजेपी के बाहुबली विधायक कृष्णानंद राय का हाथ था। अब मुख्तार ने ब्रजेश और कृष्णानंद दोनों को तबाह करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी। मुख्तार अंसारी ने सबसे पहले उस शख्स की पहचान की जो 2001 में उस पर हुए शूटआउट में शामिल था। वो शूटर था ब्रजेश सिंह के गुरु और गैंगस्टर त्रिभुवन सिंह का भाई अनिल सिंह। 2003 की बात है जब अनिल बीएसपी के टिकट पर जिला पंचायत सदस्य बन गया था। मुख्तार गैंग ने गाजीपुर के सैदपुर में सरे बाजार बीएसपी के जिला पंचायत सदस्य अनिल सिंह समेत तीन लोगों की हत्या कर दी। गाजीपुर के सैदपुर बाजार में हुआ यह 13 हत्याकांड मुख्तार की ओर से ब्रजेश और कृष्णानंद को खूनी संदेश था। मुख्तार शायद ये बताना चाहता था कि वो अपने दुश्मनों को उन्हीं के इलाके में जाकर मारेगा, और उसके गैंग के लोगों ने यही किया। ये संदेश ब्रजेश, उसके गैंग और कृष्णानंद राय का समर्थन करने वालों के लिए भी था। हालांकि ब्रजेश ने उस हत्याकांड का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मुख्तार इस घटना के बाद बेखौफ होकर अपने गुनाहों और बाहुबल का जाल फैलाता चला गया। 2003 में ही मुख्तार के गैंग में एक ऐसा दुर्दांत शूटर आया जो AK-47 से नीचे बात ही नहीं करता था।
अब रेलवे समेत तमाम सरकारी ठेके हासिल करने के लिए मुख्तार ने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो शूटर था प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी बेखौफ होकर मुख्तार के विरोधियों को ढेर करने में जुट गया। जल्द ही पूरे यूपी में शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी के नाम का खौफ फैल गया। अब मुख्तार को यकीन हो गया कि उसके गैंग को चुनौती देना ब्रिजेश और बीजेपी के बाहुबली नेता कृष्णानंद राय के बस की बात नहीं। लेकिन मुख्तार का बदला भी पूरा नहीं हुआ था। उसने 2003 में सैदपुर में ब्रिजेश के करीबी को मारकर अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का बदला तो ले लिया था, लेकिन भाई की चुनावी हार का बदला अभी बाकी था। मुख्तार अंसारी क्रिकेट का शौकीन था। कृष्णानंद राय भी खेलों के आयोजनों से जुड़े हुए थे। 29 नवंबर 2005 वो क्रिकेट से जुड़े एक आयोजन में शामिल होने के लिए निकले। किसी को अंदाजा नहीं था क्या होने वाला है, और ये वो तारीख थी जिस दिन उत्तर प्रदेश को दहलाने के लिए जो पटकथा लिखी जा रही थी वो पर्दे के पीछे पूरी हो चुकी थी। और इस कहानी का सबसे खुकार किरदार हाथों में AK-47 लिए पूरे पूर्वांचल को दहलाने के लिए निकल चुका था। मोहम्मदाबाद के कच्चे रास्तों पर कृष्णानंद की 2 क्वालिस गाड़ियां दौड़ रही थी। ये गाड़ियां और इनमें सवार लोग यूं ही लौट पाएंगे या नहीं, इस बात से सभी बेफिक्र थे। बीजेपी के बाहुबली विधायक कृष्णानंद राय क्रिकेट मैच का उद्घाटन करके लौटने लगे। रास्ते में खड़ा था मुख्तार का सबसे खुकार शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी। साल 2001 में गाजीपुर के उसरी चट्टी में जिस जगह कथित तौर पर कृष्णानंद के लोगों ने मुख्तार पर गोलियां चलाई थी, वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर कृष्णानंद राय को मुन्ना बजरंगी ने घेर लिया। उसके बाद जो हुआ वैसी घटना यूपी के आपराधिक इतिहास में फिर कभी नहीं हुई। देखिए, हत्या को लेकर 2 थ्योरी चलती है इस पूरे पूर्वांचल में। भाजपा और कृष्णानंद राय के समर्थक यह कहते हैं कि राजनीतिक रूप से मुख्तार अंसारी के भाई को कृष्णानंद राय ने पराजित कर दिया, इसके रिवेंज में ये हत्या की गई। दूसरी तरफ अफजाल अंसारी और उनके समर्थक ये कहते हैं कि यह दबाव जो है कृष्णानंद राय की तरफ से भी और उनके टीम की तरफ से बनाया जाने लगा था अंसारी परिवार पर, और उसके चक्कर में यह हत्या हुई। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी और उसके साथियों ने 6 AK-47 राइफलों से करीब 400 राउंड फायरिंग की। पोस्टमार्टम के दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद और उनके 6 साथियों के शरीर से 67 गोलियां बरामद हुई। बीजेपी के बाहुबली विधायक कृष्णानंद की दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि माफिया मुख्तार के शूटर मुन्ना बजरंगी और उसके साथी 6 AK-47 राइफलों के साथ तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक दोनों गाड़ियों में सवार राय और उनके साथी पूरी तरह मर नहीं गए। और तो और, कई लोगों पर तो मौत के बाद भी गोलियां दागी गईं ताकि जिंदा रहने के चांस ना बचें। लोग बताते हैं कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के हाथ राय और उनके साथियों के पोस्टमार्टम करते वक्त कांप रहे थे। एक के बाद एक खून से सनी 67 गोलियों को निकालने में कई घंटे लगे। मुख्तार गैंग ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद समेत 6 लोगों की हत्या की थी। कृष्णानंद राय, श्यामा शंकर राय, रमेश राय, निर्भय नारायण राय, पुलिस का गनर अखिलेश कुमार राय, सरकारी चालक मुन्ना यादव, शेषनाथ सिंह। यह वह पक्ष नहीं बताता है, लेकिन कृष्णानंद राय के समर्थक और परिवार के लोगों का कहना था कि ये मुख्तार अंसारी के शह पर और उनके साजिश में ये हत्या हुई थी।
तो गैंगवार और राजनीतिक, यह दोनों थ्योरी दोनों पक्षों से चलती है। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी समेत 13 लोग नामजद आरोपी थे, जो सिस्टम की नाकामी से परी हो गए। एजाज उल हक, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, मंसूर अंसारी, अताउर रहमान, मुन्ना बजरंगी उर्फ प्रेम प्रकाश सिंह, फिरदौस उर्फ जावेद, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, राकेश पांडे, रामू मल्ला, विश्वास उर्फ नेपाली, जफर उर्फ चंदा, अफरोज खान उर्फ चुन्नू। कृष्णानंद राय जी की हत्या गाजीपुर में एक नए नेता के उभरने का सबसे बड़ा मूल कारण बना, जो कहीं से दूर दूर तक राजनेता नहीं थे, लेकिन जब वो अपने काम धाम को छोड़ के नेतागिरी में आए, राजनीति में आए, तो गाजीपुर में उनका एक अलग दबदबा बना। और निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक हत्या तो हुई है, लेकिन उनका वह पुराना मामला जो गंगवार का था, उससे संबंधित ही यह हत्या हुई है। अगर प्रदेश सरकार चाहिए होती तो उनकी हत्या नहीं हुई होती। उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, उसकी इसमें सबसे बड़ी हाथ है। कोई भी जब जिसकी सत्ता होती है, उसके अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं, वो जो चाहते हैं कर लेते हैं। यही इसमें सबसे बड़ा मूल है। उसमें पुलिस की कार्रवाई पर और पुलिस की व्यवस्था पर ठीक से सवाल उठता है। कृष्णानंद राय की हत्या से पहले भी पूर्वांचल में कई बार गैंगवार में हत्याएं होती रही, दर्जनों शूटआउट हुए। लेकिन जिस तरह विधायक कृष्णानंद को मारा गया, उसने मुख्तार और उसके शूटर मुन्ना बजरंगी को पूरे यूपी में खौफ का दूसरा नाम बना दिया। हालांकि सीबीआई का यह मानना था कि मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश जेल में रहते हुए की। इस हत्याकांड के फौरन बाद मुख्तार अंसारी और गैंगस्टर अभय सिंह के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत हुई थी। इस बातचीत को रिकॉर्ड भी किया गया था। कृष्णानंद की हत्या के ठीक बाद उस बातचीत में मुख्तार मोबाइल फोन पर अभय सिंह से कह रहा था कि चोटी काट ली। दरअसल कृष्णानंद राय चोटी रखते थे। मुख्तार और अभय सिंह का वो ऑडियो मीडिया में वायरल भी हुआ था। अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। ये सुनने में आया। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गाँव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा है। बराबर में चल रही है। ये तरफा जय श्री राम। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ ठीक है, मुट्ठी में ठीक है गंगा से बात बात होगी। बीजेपी के दबंग नेता कृष्णानंद की हत्या के बाद राजनीतिक उबाल भी आया। अपने विधायक की माफिया के हाथों हत्या होने पर दिल्ली बीजेपी तक खलबली मची। इस हत्याकांड के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की। 21 फरवरी 2006 को यूपी पुलिस ने पहली चार्जशीट दाखिल की। पहली चार्जशीट में एजाजुल, अफजाल, मुन्ना बजरंगी, अताउल, फिरदौस का नाम था। 15 मार्च 2006 को पुलिस ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की। दूसरी चार्जशीट में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया। मई 2006 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। 2006 से 2007 के बीच सीबीआई ने 3 चार्जशीट दाखिल की। 3 जुलाई 2019 को सीबीआई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा, 70 गवाहों के मुकरने पर यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला देना पड़ा।
ये ऑब्जर्वेशन किया है कि अगर इसमें गवाह मिले होते जो कहानी थी अभियोजन की, उस कहानी को सपोर्ट करने वाले गवाह मिले होते तो फैसला कुछ और होता। कोर्ट आपकी बात पर नहीं चलता है कि बाहर समाज में क्या बात चल रही है, मीडिया में क्या बात चल रही है। कोर्ट को तो जो गवाह गुजरते हैं, जो तथ्य आते हैं, जो फाइल बनती है, उसी के आधार पर कोर्ट को फैसला करना होता है। कृष्णानंद राय ज्यादातर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ही चला करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी दुश्मनी मुख्तार अंसारी और उसके गैंग से है। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं थे। हालांकि ये इत्तेफाक नहीं था कि जिस दिन वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के बिना गए उसी दिन उनकी हत्या हो गई। दरअसल मुख्तार गैंग के कई लोग किसी न किसी तरह कृष्णानंद राय के गैंग में गुपचुप एंट्री कर चुके थे, या यूं कहें कि वो थे तो कृष्णानंद राय के साथ, लेकिन मुखबरी कर रहे थे मुख्तार के लिए। पुलिस भी यही मानती है कि 29 नवंबर 2005 को भी यही हुआ। कृष्णानंद राय के किसी करीबी ने मुख्तार के गैंग तक ये खबर पहुंचा दी कि वो आज बुलेट प्रूफ गाड़ी के बिना गए हैं। इनकी हत्या तो एक राजनीतिक हत्या थी इनकी, इसमें तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं से गैंग वार था। ये राजनीतिक हत्या इनकी हुई थी, उसी में इनकी हत्या की गई। बीजेपी के दबंग नेता और बाहुबली विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या जिस तरीके से की गई, वो कानून व्यवस्था और पूरे सिस्टम को चुनौती देने वाली घटना थी। फिर भी एक विधायक की हत्या हो जाती है, साथ में दो सरकारी सुरक्षाकर्मी, सरकारी ड्राइवर समेत कुल 7 लोग मारे जाते हैं। 6 AK-47 से सरेराम 1.5 घंटे तक गोलियां चलती हैं। यूपी पुलिस से लेकर CBI तक 14 साल केस चलता है। कुल 70 गवाह पेश किए जाते हैं, फिर भी एक भी आरोपी को दोषी साबित नहीं किया जा सका। इस पूरे हत्याकांड में माफिया की उस ताकत और बाहुबल का अंदाजा लगाया जा सकता है जिसके दम पर वो पुलिस, नौकरशाह और यहां तक कि सत्ता समेत पूरे सिस्टम को अपने खिलाफ जांच करने से रोकता है। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्हें अपराध की नर्सरी के दौरान ही अगर कानून की सख्ती से कुचल दिया जाता तो ये कभी बाहुबली नहीं बन पाते।